स्वागत है आपका। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास 10 केमिस्ट्री, और हम बात करें केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस में बैक एक्सरसाइज क्वेश्चंस एनसीईआरटी के। हम इंडेक्स क्वेश्चंस डिस्कस कर चुके थे, आज हमें बैक एक्सरसाइज क्वेश्चंस डिस्कस करने हैं। इन टोटल 20 एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज क्वेश्चंस हैं, उसमें से एटलीस्ट 1/3 इस लेक्चर में हम कवर करेंगे, दैट इज 7 क्वेश्चंस। तो चलिए शुरू करते हैं। फोन उधार ले रखा है तो इसलिए जल्दी जल्दी करेंगे आज थोड़ा। पहला क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हुआ है आपका, तो पहले क्वेश्चन में क्या है, पहले क्वेश्चन में है आपको यहाँ पर क्वेश्चन लिखा हुआ है कि ये रिएक्शन दी हुई है और नीचे दिए हुए हैं 4 स्टेटमेंट्स, बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट इस रिएक्शन के रिगार्डिंग करेक्ट है। तो पहले यहाँ पर क्वेश्चन है कि लेड इज गेटिंग रिड्यूस्ड, ये जो लेड है आपका वो रिड्यूस हो रहा है, रिड्यूस मतलब उसका रिडक्शन हो रहा है। रिडक्शन का मतलब क्या बताया था, रिडक्शन का मतलब मैंने बताया था, रिडक्शन का मतलब होता है ऑक्सीजन का रिमूव हो जाना या हाइड्रोजन का ऐड हो जाना, हाइड्रोजन का ऐड हो जाना रिडक्शन है या ऑक्सीजन का रिमूव हो जाना रिडक्शन है। तो बताओ लेड का रिडक्शन हो रहा है क्या, लेड का रिडक्शन हो रहा है क्या, यार इसमें से ऑक्सीजन रिमूव हुई क्या या इसमें हाइड्रोजन ऐड हुई क्या, नहीं भाई लेड का रिडक्शन नहीं हुआ है, लेड ऑक्साइड का रिडक्शन हुआ है। कैसे, क्योंकि देखो PbO में से ऑक्सीजन हट गया और Pb बच गया, तो मैं कहूंगा कि लेड ऑक्साइड का रिडक्शन हुआ है, लेड का रिडक्शन नहीं हुआ है। ओके, तो लेड का क्या हुआ होगा, ऑक्सीडेशन। अगर लेड का रिडक्शन नहीं हुआ है तो लेड का क्या हुआ होगा, ऑक्सीडेशन, अगर आप इधर से इधर जाओ। ओके, तो पहला स्टेटमेंट रॉन्ग था, कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज, कह रहे हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीडाइज हुई है, ऑक्सीडाइज मतलब इसका ऑक्सीडेशन हुआ है, ऑक्सीडेशन का मतलब कि ऑक्सीजन हुई है ऐड और या फिर हाइड्रोजन हुई है रिमूव, CO2 में ऑक्सीजन ऐड हुई है, नहीं तो जरा CO2 से आगे तो मैं कहीं नहीं जा सकता, इधर ही रिएक्शन में आ सकता हूं, CO2 से तो C बन रहा है यहां पर, वैसे तो C से CO2 बन रहा है, लेकिन अगर देखें CO2 का तो वापिस आऊं तो यहां पर तो C बन रहा है, इसका तो रिडक्शन हो रहा है भाई, कार्बन का हुआ है ऑक्सीडेशन, ये गलती मत कर देना, PbO का हुआ है रिडक्शन Pb में, कार्बन का हुआ है ऑक्सीडेशन CO2 में, क्योंकि ऑक्सीजन ऐड हुई है। अगर कार्बन का, मैंने बताया था कि रेडॉक्स रिएक्शन होती है, अगर एक का होता है ऑक्सीडेशन तो दूसरे को होता है रिडक्शन, अगर PbO Pb में गया है तो इसका ऑक्सीडेशन, सॉरी इसका रिडक्शन हुआ है, अगर इसका रिडक्शन हुआ है तो इसका ऑक्सीडेशन होगा, अगर इसका ऑक्सीडेशन हुआ है तो इसका रिडक्शन होगा, तो दूसरा स्टेटमेंट भी गलत है। और बाकी के जो दो स्टेटमेंट है कि कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज एंड लेड ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस्ड, ये आपके दोनों सही है, एकदम करेक्ट है। तो लास्ट टू इज आर करेक्ट एंड अपर टू आर रॉन्ग, तो इसका ऑप्शन कौन सा सही है, क्योंकि हमारे सी एंड डी सही है, तो सी एंड डी जैसा तो कोई ऑप्शन यहां पर है ही नहीं। ओके ओके, भूल गया था, यहां पर इन्होंने बात करी थी कि कौन सा आपका इनकरेक्ट है, तो ए और बी इनकरेक्ट है, तो पहला ऑप्शन सही है, वेरी गुड। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, सेकंड क्वेश्चन हमारा है Fe2O3 रिएक्शन दे रखी है उन्होंने, Fe2O3 क्या है, Fe2O3 को क्या बोलेंगे हम, फेरस ऑक्साइड की फेरिक ऑक्साइड, क्यों, क्योंकि आयरन की वैलेंसी यहां पर 3 है और ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 है, वो इस पर आई हुई है। Fe2O3 ने रिएक्शन किया 2 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम के साथ, तो बना दिया Al2O3 प्लस 2 मोल्स ऑफ Fe, कह रहे हैं कि द अबव रिएक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ अ, ये जो रिएक्शन दे रखी है इसका एग्जांपल है, ये पूछ रखा है। पहला ऑप्शन दे रखा है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, क्या यहां पर कॉम्बिनेशन हुआ है, हां भाई कॉम्बिनेशन तो हुआ ही है, नहीं कॉम्बिनेशन कहां हुआ इसमें, तो फिर क्या हुआ है, डबल डिस्प्लेसमेंट, कॉम्बिनेशन में क्या होता था, दो एलिमेंट्स मिलकर एक कंपाउंड बना देते थे, तो यहां पर दो एलिमेंट्स ने तो मिलकर कंपाउंड नहीं बनाया, ये तो खुद ही कंपाउंड है ये, और ये है एलिमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता था भाई, दो कंपाउंड होने चाहिए थे तभी यहां पर दो कंपाउंड और बन के आते, यहां पर तो एक ही कंपाउंड है तो डबल डिस्प्लेसमेंट तो हो ही सकता। डिकम्पोजिशन, यहां पर कोई चीज डिकम्पोज भी नहीं हो रही, टूट भी नहीं रही, कि एक कंपाउंड से दो अलग अलग एलिमेंट्स बन गए, ऐसा भी नहीं है यहां पर, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। कैसे, एल्यूमिनियम ने इस
Fe2O3 से, फेरिक ऑक्साइड से आयरन को डिस्प्लेस कर दिया। क्यों? क्योंकि यार एल्यूमिनियम ज्यादा रिएक्टिव है आयरन के मुकाबले। हमने रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ी थी, लिख बात सर के ना, मग अल मंजन कर्गोनी संपम है चप्पाओ, ये हमने पूरी पूरी रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ी थी, आप पीछे जाकर देख सकते हैं। चैप्टर नंबर फर्स्ट में हमने डिस्कस कर ली थी जब हमने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आपका पढ़ा था। अब तो मतलब जो ज्यादा रिएक्टिव होता है वो लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर देता है। व्हाट हैपेंस, थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट हैपेंस व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू आयरन फिलिंग्स। जब हमने डाइल्यूट एचसीएल, डाइल्यूट का मतलब तो समझते हैं ना कि मिनिमम पॉसिबल अमाउंट ऑफ वाटर इसमें प्रेजेंट नहीं है, मैक्सिमम पॉसिबल अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट है। मिनिमम पॉसिबल अमाउंट ऑफ वाटर तब होता है जब ये कंसंट्रेटेड हो, मैक्सिमम पॉसिबल अमाउंट ऑफ वाटर तब होता है जब ये डाइल्यूटेड हो। तो डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड में हमने आयरन फिलिंग्स डाली, तो कौन सा करेक्ट आंसर होगा? हमने क्या डाली? आयरन फिलिंग्स, मतलब हमने कुल मिला के आयरन डाला। तो भाई हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड प्रोड्यूस होंगे, ये कह रहे हैं कि क्या ऐसा होगा कि FeCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस, क्या ये रिएक्शन हो पाएगी? या फिर क्लोरीन गैस और आयरन ऑक्साइड प्रोड्यूस होंगे, मतलब या फिर ऐसा होगा कि क्लोरीन गैस बन जाएगी और आयरन ऑक्साइड FeO, ये कह रहे हैं, या फिर कोई रिएक्शन नहीं होगी, कोई रिएक्शन नहीं होगी, या फिर कह रहे हैं कि आयरन सोल्ट और वॉटर बन के आएगा, आयरन का सोल्ट और वॉटर, मतलब FeCl2 प्लस वॉटर, ये बन के आएगा। तो इन चारों में से कौन सी रिएक्शन करेक्ट है, जरा कमेंट में आंसर करके बताओ, और फिर मैं कमेंट में इसका आंसर दूंगा, क्योंकि आपको चारों ऑप्शंस दे दिए और आप आसानी से पहचान सकते हो कि कौन सी रिएक्शन सही है और कौन सी रिएक्शन गलत है। एक ऑप्शन यहां पर यह भी है कि कोई रिएक्शन यहां पर नहीं होगी, अगर कोई रिएक्शन नहीं होगी तो क्यों नहीं होगी, ये रीजन देना। ओके, वैसे मैं कमेंट में लिख दूंगा आंसर, पर पहले आंसर आने तो दो कुछ के। अच्छा, फोर्थ क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। फोर्थ क्वेश्चन तो सिंपल ये है कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होती है। तो आपको पता है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन एक ऐसी केमिकल इक्वेशन होती है जिसमें रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स, इस साइड कौन होता है रिएक्टेंट, इस साइड कौन होते हैं प्रोडक्ट्स, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स में जितने भी एटम्स हैं, डिफरेंट एटम्स एलिमेंट्स के, जैसे आयरन के यहां पर दो एटम है, यहां पर आयरन के दो एटम है, मतलब ये बराबर होने चाहिए। A balanced chemical equation is that chemical equation in which the number of atoms of all the elements should be equal on the left hand and right hand side. दोनों साइड पर जितने भी different kind के atoms हैं अलग अलग elements के, वे आपकी क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। इसी को हम बोलते हैं balanced chemical equation. अच्छा, फिर पूछा है why should chemical equations be balanced? Chemical equations को balance क्यों करना होता है भाई? To satisfy the law of conservation of mass. कि मास ना क्रिएट हो सकता ना ही डिस्ट्रॉय, जितना मास इधर है उतना ही मास इधर भी होना जरूरी है। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन हमारा है कि ट्रांसलेट करो फॉलोइंग स्टेटमेंट्स को इनटू केमिकल इक्वेशंस एंड देन बैलेंस देम। आपको कुछ स्टेटमेंट्स दे रखे हैं, उन स्टेटमेंट्स को आपको कन्वर्ट करना है केमिकल इक्वेशंस में। तो बढ़ते हैं पहले स्टेटमेंट की तरफ। पहला स्टेटमेंट अभी फटाफट से रफ कर देता हूं। पहला स्टेटमेंट इन्होंने दिया है, हाइड्रोजन गैस कंबाइन कर रही है नाइट्रोजन के साथ अमोनिया बनाने के लिए। हाइड्रोजन गैस कंबाइन कर रही है नाइट्रोजन गैस के साथ अमोनिया बनाने के लिए, ये हमारा फिफ्थ का फर्स्ट पार्ट। हाइड्रोजन प्लस नाइट्रोजन बना रही है अमोनिया, अमोनिया का फॉर्मूला होता है NH3। पूछ रहे थे कि इन्हें सिंबोलिक फॉर्म में लिखो, मैंने लिख दिया, मतलब केमिकल इक्वेशन के फॉर्म में उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया था, और फिर बोला था कि इसे बैलेंस करना है। तो बैलेंस कैसे करोगे? हाइड्रोजन यहां पर कितने हैं? दो। हाइड्रोजन यहां पर कितने हैं? तीन। तो कैसे बैलेंस करोगे? ओड इवन जब मामला आ जाता है तो हम क्या करते हैं? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, यहां पर थ्री कर दो यहां पर टू कर दो, तो तीन दो छह है और दो दिए छह, हाइड्रोजन कितना हो गए? छह। अब नाइट्रोजन है यहां पर दो और यहां भी नाइट्रोजन दो आया, तो बैलेंस हो गई। N2 प्लस 3 मोल्स ऑफ H2 बनाएगा 2 मोल्स ऑफ NH3। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, आगे 12th तक काम आएगी। अच्छा, नेक्स्ट है आपका बी पार्ट में बोला है कि हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बर्न हो रही है एयर में वाटर और सल्फर डाइऑक्साइड देने के लिए। हाइड्रोजन सल्फाइड गैस होती है H2S, ये आपका एयर में बर्न हो रही है, मतलब ऑक्सीजन में, क्योंकि ऑक्सीजन एक ऐसी गैस है जो कि दूसरी चीजों को बर्न होने में हेल्प करती है। बन के क्या आ रहा है? वॉटर प्लस सल्फर डाइऑक्साइड गैस SO2, सल्फर डाइऑक्साइड गैस। अच्छा, बैलेंस करते हैं।
हाइड्रोजन दो हाइड्रोजन दो, ठीक है बैलेंस है। सल्फर एक बैलेंस है। ऑक्सीजन दो लेकिन ऑक्सीजन यहाँ पर एक हो रहा है, तो तीन ऑक्सीजन दो ऑक्सीजन क्या करें? सबसे पहले यहाँ पर तीन है, यहाँ पर दो है, तो ओड को इवन में कन्वर्ट करूंगा पहले, क्योंकि ओड से तो बैलेंस हो नहीं सकता। तो यहाँ पर मैंने दो दो चार ऑक्सीजन कर दिए, यहाँ पर भी अब चार ऑक्सीजन हो गए। लेकिन जरा हाइड्रोजन यहाँ पर दो दूनी चार हो गए, यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं? दो, तो यहां पर भी दो लगा दिया, चार हाइड्रोजन, चार हाइड्रोजन, ऑक्सीजन चार, ऑक्सीजन चार। लेकिन यहां पर सल्फर देखो दो हो गए, वहां पर सल्फर एक है, तो मैंने लगा दिया यहां पर दो, तो हो गए दो सल्फर। लेकिन फिर से ऑक्सीजन का हिसाब बिगड़ गया क्या, कि यहां पर दो दूनी चार और दो छह ऑक्सीजन, और यहां पर कितने ऑक्सीजन है? चार ऑक्सीजन है। तो क्या करोगे, इसे हटाओ और यहां पर तीन लगा दो, तीन दूनी छह ऑक्सीजन, हो गया बैलेंस। ऑक्सीजन भी बैलेंस, छह ऑक्सीजन, छह ऑक्सीजन, सल्फर दो, हाइड्रोजन चार, हाइड्रोजन चार। क्योंकि हम यूज किसका कर रहे हैं? हीट एंड ट्रायल मेथड का यूज कर रहे हैं, तो उसमें ये तो हो गई भाई। अच्छा, नेक्स्ट है बेरियम क्लोराइड रिएक्शन कर रहा है एल्यूमिनियम सल्फेट के साथ। बेरियम क्लोराइड BaCl2 रिएक्शन कर रहा है एल्यूमिनियम सल्फेट के साथ, Al2SO4 का होल थ्राइस। क्यों? क्योंकि एल्यूमिनियम की वैलेंसी होती है 3। और क्या बनाएगा? एल्यूमिनियम क्लोराइड और एक PPT बेरियम सल्फाइड का, AlCl3 प्लस BaSO4। तो BaSO4 का बन क्या आ रहा है? PPT। PPT तो समझते हैं, प्रेसिपिटेट, एक इनसोल्यूबल सॉलिड सब्सटेंस जो कि सॉल्यूशन से बाहर आ जाता है रिएक्शन होने के दौरान। तो यहां पर बन क्या आ रहा है आपका? PPT बेरियम सल्फेट का। अब बैलेंस करते हैं, यहां पर बेरियम एक, यहां पर बेरियम एक, यहां पर सल्फेट एक, यहां पर सल्फेट तीन, तो यहां पर तीन लगा दिया सर, यहां पर तीन सल्फेट, यहां पर तीन सल्फेट, और बैरियम यहां पर तीन, तो यहां पर भी तीन लगा दिया, तीन बैरियम, क्लोरीन यहां पर हो गए छह और यहां पर क्लोरीन है तीन, तो क्या करें, दो लगा दिया, दो दिए छह क्लोरीन और यहां पर भी हो गए छह क्लोरीन, बैरियम तीन, बैरियम तीन, सल्फेट तीन, सल्फेट तीन, एल्यूमिनियम दो और एल्यूमिनियम दो, बैलेंस बैलेंस हो चुकी है। अब लास्ट हमारा डी पार्ट है, पोटेशियम मेटल ने रिएक्ट किया वाटर के साथ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनाने के लिए। ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं, क्या सिंपल है, पढ़ चुके हैं हम बहुत बार, छोड़ने के बजाय मैं कर ही देता हूं। पोटेशियम रिएक्शन कर रहा है, के इसका सिंबल होता है वाटर के साथ, तो क्या बनाएगा? मेटल प्लस वाटर, और वो रिएक्टिव मेटल प्लस वाटर बनाएगा आपका KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज। पोटेशियम एक, पोटेशियम एक, हाइड्रोजन दो, एक तीन हाइड्रोजन दो, ऑक्सीजन एक, ऑक्सीजन एक, हाइड्रोजन तीन है वहां पर। जब बार बार ये आ रही है चीजें कि ओड इवन का चक्कर आए, तो पहले ओड को इवन में कन्वर्ट करो, तो यहां पर दो हाइड्रोजन, दो दो चार हाइड्रोजन, तो चार हाइड्रोजन, पोटेशियम वहां पर दो हो गए खुद ब खुद, दो पोटेशियम, ऑक्सीजन यहां पर दो है, यहां पर भी ऑक्सीजन दो है, बैलेंस हो चुकी है। अब नेक्स्ट सिक्स्थ क्वेश्चन भी बैलेंसिंग का है, और सेवन्थ क्वेश्चन भी आने वाला बैलेंसिंग का ही है, तो फिर तो मुझे सिक्स्थ तक ही खुद को रेस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि सारे के सारे बैलेंसिंग के ही है, आपको भी तो खुद ट्राई करना है। आप ऐसा कीजिएगा, ईमानदार से पहले सारे क्वेश्चंस ट्राई कीजिए, जहां प्रॉब्लम आए तब देखिए, या फिर अगर थोड़ा सा आलस है तो पहले इसे देख लो और फिर उसके बाद ट्राई कर लो, ट्राई कर फिर तो हो ही जाएंगे। अब उसके बाद सिक्स्थ क्वेश्चन करा लेते हैं हम, सेवन्थ आपके ऊपर ही छोड़ना होगा, छठे क्वेश्चन तक हम करा सकते हैं, क्योंकि उधार फोन हम रखते नहीं ज्यादा देर, लेकिन क्या करें, रखना पड़ेगा भाई, एनसीईआरटी जब तो रखी नहीं, अब पछता रहे हैं। तो बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशंस, तो यहां पर ए पार्ट है HNO3 रिएक्शन कर रहा है CaOH का होल ट्वाइस, दैट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ, इसका दूसरा नाम कमेंट में लिख देना क्या है, बना रहा है CaNO3 का होल ट्वाइस कैल्शियम नाइट्रेट प्लस वाटर। इतना भी जल्दी नहीं है सर, इतना भी जल्दी नहीं है, इतने बड़े बोर्ड पर नहीं समा रहे हम, क्या बन रहा है, कैल्शियम नाइट्रेट प्लस वाटर। मैं पहले लिख दे रहा हूं सारी रिएक्शंस, बी NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्शन कर रहा है H2SO4 के साथ, समझ गए होंगे, बेस प्लस एसिड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, बना रहा है Na2SO4 प्लस वाटर,
सी पार्ट है कि NaCl रिएक्शन कर रहा है AgNO3 के साथ, क्या है सिल्वर नाइट्रेट, काफी फेमस रिएक्शन है PPT की। और लास्ट है BaCl2 रिएक्शन कर रहा है H2SO4 के साथ, शायद हमने रिएक्शन पढ़ी है ना, हमें इसी का एग्जाम्पल याद रहता है BaCl2 प्लस Na2SO4 बनाएगा BaCl2 प्लस 2 मोल्स ऑफ NaCl, बस यहां पर H2SO4 आ गया, बस इतना चेंज यहां पर है। ठीक है तो बैलेंस करते हैं। ओके तो यहां पर हाइड्रोजन कितना है, 1 और 2, 3 हाइड्रोजन यहां पर है पक्का। यहां पर हाइड्रोजन कितना है, 2, यहां पर हाइड्रोजन 3, यहां पर हाइड्रोजन 2, तो क्या करूं, पहले यहां पर 2 कर लिए, 2 हाइड्रोजन और 2, 4 हाइड्रोजन, यहां पर 2 हाइड्रोजन, अब यहां पर 2 लगा लिया, 4 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन, अब यहां पर नाइट्रोजन कितना हो गया, 2 नाइट्रोजन, या डायरेक्ट NO3 देख लो, 2 NO3, नहीं नहीं अलग अलग करके देख लो, यहां पर 2 नाइट्रोजन और यहां पर भी 2 नाइट्रोजन डाल गए, और ऑक्सीजन यहां पर 3 × 2 = 6 और 2 = 8, और यहां पर ऑक्सीजन 3 × 2 = 6 और 2 = 8, थोड़ा इंग्लिश, 8 8 ऑक्सीजन हो गए, नाइट्रोजन हो गए 2 2, हाइड्रोजन हो गए 4 4, बचा क्या, कैल्शियम, कैल्शियम 1, कैल्शियम 1, बैलेंस हो चुकी है, चेक भी कर लेना यार एक बार। सो सोडियम यहां पर 1, सोडियम यहां पर 2, तो 2 लगा दिया, और ऑक्सीजन यहां पर 2 और H2SO4 है ना, तो 4 और 2 = 6 ऑक्सीजन, और यहां पर कितने हैं, 4 और 2 = 6 ऑक्सीजन, ऑक्सीजन बैलेंस, सोडियम बैलेंस, हाइड्रोजन यहां पर 2, ज्यादातर शुरुआत करा करो ऑक्सीजन हाइड्रोजन को बैलेंस करने से, एक बार ऑक्सीजन हाइड्रोजन बैलेंस हो गया ना, बाकी सारे अपना बैलेंस हो पाते हैं। ओके सीक्रेट, तो यहां पर 2 हाइड्रोजन और 2 4 हाइड्रोजन और यहां पर भी 4 हाइड्रोजन, हाइड्रोजन बैलेंस हो गया, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, सोडियम बैलेंस हो गया, सल्फर भी बैलेंस है। ओके नेक्स्ट है NaCl, सोडियम यहां पर 1, सोडियम यहां पर 1, क्लोरीन यहां पर 1, क्लोरीन यहां पर 1, और सिल्वर यहां पर 1, सिल्वर यहां पर 1, नाइट्रेट यहां पर 1, नाइट्रेट यहां पर 1, यार खामा खाम है, बैलेंस तो है, बैरियम यहां पर 1, बैरियम यहां पर 1, क्लोरीन यहां पर 2। अच्छा जब मैंने बताया BaCl2 प्लस Na2SO4 देखो BaCl2 प्लस 2 मोल्स ऑफ NaCl, तो यहां पर 2 मोल्स ऑफ NaCl हो जाएगा है। तो ये 6 क्वेश्चन सबने डिस्कस किए, करने 7 थे लेकिन जानबूझ के 6 किए, क्योंकि ये क्योंकि सब में क्या कर रहे हैं, बैलेंसिंग ही तो कर रहे हैं। तो अगर आप आलसी हैं तो 6 क्वेश्चन करने के बाद 7वां क्वेश्चन अब आपको खुद करना पड़ेगा, और अगर आप आलसी नहीं है तो वैसे भी आप पहले खुद ट्राई करेंगे और तभी यहां आएंगे। तो आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा, अगर समझ में आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और अगर नहीं आया तो डिसलाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए कि क्या कमी है, हम वहीं पर सुधार करेंगे, सिवाय इस गर्मी के, क्योंकि इसका मैं अभी कुछ नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि अगर पंखा चलाऊंगा तो आवाज़ ज्यादा आएगी। तो पढ़ाई करते रहिए, धन्यवाद।